हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड, CH3COOH। अब इसे हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से देखिए एच और यहाँ से ओ एच बाहर आ जाएगा, डेट इज एच टू ओ। बचा क्या, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए। तो यहाँ पर लिख दो सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए, दिस इज सोडियम एसीटेट। अब देखिए यहाँ पर हमें अल्केन की फॉर्मेशन करनी है, तो ये जो सोडियम एसीटेट है इसको हम यहाँ पर लेंगे और इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ सी ओ टू गैस। अगर सी ओ टू गैस नहीं निकल रहा है तो ऐसा कोई कंपाउंड निकलेगा जिसमें सी ओ टू प्रेजेंट होगा, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने यहाँ पर लिया है सोडियम एसीटेट। अब इसे हम ट्रीट करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, हीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ से सी ओ ओ, ये जो एन ए है एन ए ओ, मतलब कि यहाँ पर टू एन ए है, सो एन ए टू सी ओ थ्री, डेट इज सोडियम कार्बोनेट बाहर आ गया। बचा क्या, सी एच फोर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन हुआ, डेट इज मीथेन। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन की प्रिपरेशन कराई जाती है। आई होप कि आपको ये वाली टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।